नमस्कार, कार्यक्रम तारे आंखते ने देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर और आज हमारे साथ ज्योतिष चर्चा में भाग लेंगी एस्ट्रोलॉजर अनीता शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज कौन से विषय पे बात करें? आज हम बात करेंगे पूर्व दिशा के शुभ व अशुभ फल। जी, पूर्व दिशा के शुभ फल। पूर्व दिशा में अगर बाथरूम हो या कोई भी जल स्रोत हो, कुआं अथवा या जैसे बोरिंग कर लेते हैं हम लोग, वो हो, वो सब अच्छा समझा जाता है। और इस दिशा में जो छोटे पौधे यानी बाग बगीचा, वही हम लगा सकते हैं, बड़े पौधे नहीं लगा सकते। बिल्कुल। और जो पूर्व दिशा की भूमि होती है वो नीची होनी चाहिए, हमेशा जी पश्चिम दिशा से नीचा होना चाहिए, ढलान उधर होनी चाहिए। हाँ जी, ढलान उधर होना चाहिए ताकि पानी, जैसे हम पानी का निकास भी होता है तो उसी साइड हो जाए। जी जी, इस तरह से उसका ढलान होना चाहिए जिससे वहाँ पे रहने वाले लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है। जी। और कभी अगर वो कभी बीमार हो भी जाते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। जी। और यदि घर के सामने पूर्व दिशा में अन्य दिशाओं के मुकाबले अधिक खाली स्थान रखा जाए तो उस घर में रहने वाले जातक कभी भी बेऔलाद नहीं होंगे। बिल्कुल। और घर का जो मुख्य द्वार है पूर्व दिशा की ओर हो तो जीवन में सुख शांति स्थायी रूप से बनी रहती है। बिल्कुल सही है। और घर में प्रयोग होने वाले पानी का निकास पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। बिल्कुल। वो घर की पूर्वी दीवार पश्चिमी दीवार से नीची होनी चाहिए जी, जिससे जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन वो निरंतर उनमें वृद्धि होती रहती है, सभी चीज मिलता है उनको, सुख संपत्ति संतान, लाइफ, हाँ जी लाइफ बहुत अच्छी होती है। और पूर्व दिशा के अशुभ फल, घर के पूर्व में यदि थोड़ा सा भी खाली स्थान ना हो तो अनेक बीमारियां वहां जन्म लेती है। बिल्कुल। जैसे सिरदर्द हो गया, आंखों के रोग हो गए, लकवा हो गए, हड्डियों के रोग हो गए, क्योंकि पूर्व दिशा है ही सूर्य की दिशा। अब सूर्य अगर दूषित हो तो हड्डियों की प्रॉब्लम, हड्डी का टूटना है, ये सब देता है। और यदि घर का पूर्वी हिस्सा पश्चिम से ऊंचा हो तो ऐसे में धन का अभाव बना रहेगा जी। और बच्चों का मानसिक विकास भी रुक जाएगा। घर का मुख्य द्वार यदि आग्नेय कोण की ओर सटकर बना होता है तो अशुभ फल देता है जी। जिसके कारण घर में चोरी की संभावना बढ़ जाती है और गृह स्वामी जो भी उसमें रहने वाले लोग अकारण ही मुकदमे में उलझे रहते हैं जी। यदि घर के पूर्वी दिशा में खाली भाग में कूड़ा करकट और गंदगी फैलाई जाए या वहाँ पे कोई पाइप हो गंदी जिसमें गंदा पानी का निकास हो तो धन संतान सभी चीज की हानि होती है। बहुत बढ़िया आपने दर्शकों को बताया अनीता जी कि किस तरह से पूर्व दिशा के दोष कौन कौन से होते हैं और पूर्व दिशा के प्लस पॉइंट्स क्या होते हैं। एक बार फिर आपको दर्शकों हम रिव्यू करते हैं। जैसे हमने बहुत से घरों में देखा है वास्तु के ड्यूरिंग के उन्होंने पूर्व दिशा में ही नॉर्थ ईस्ट में ही उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और कभी भी संतान उनकी सेट ही नहीं हो पाती। बहुत से घरों में नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने टॉयलेट बनाई होती है, अगर उनको कहते हैं कि यहाँ से टॉयलेट रिमूव करनी है तो वो सीट को रिमूव करके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली जो है उसको खाली करके उसकी मिट्टी चेंज करके उसका वास्तु नहीं करते, जो गलत है। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है या तो यहाँ जल गिरना चाहिए, पानी के बुलबुले उठने चाहिए लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए, धन के आने के लिए, या फिर ये ओपन टू स्काई होना चाहिए, बिल्कुल खुला साफ सुथरा, क्योंकि घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसमें पूर्व दिशा एक मेन महत्व देती है, ये अगर साफ होगी, खुली होगी, नीची होगी, ढलान उस तरफ होगी तो निश्चित रूप में वहाँ पर रहने वाले बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। और वैसे ही शुभ माना जाता है कि ईस्ट फेसिंग घर हो तो सूरज की पहली किरणें वहाँ पर आती हैं, ईस्ट डायरेक्शन ही हम सूरज की मानते हैं, तो जब सूरज की पहली किरणें वहाँ पर आएंगी तो उस घर में कोई भी रोगी नहीं रहेगा, धन आएगा, अच्छी सेहत होगी और आपस में सभी प्यार से रहेंगे, अच्छे भाव से रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी इन वास्तु के सभी नियमों को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने घर को बहुत बढ़िया बनाएंगे पूर्व दिशा की तरफ ध्यान देकर। और अगर छोटे छोटे वहाँ पे पीले फूलों वाले आप पौधे लगाते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन बड़ा ट्री वहाँ पर नहीं लगाना। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा आज का ये विषय। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों का साथ भी शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और स्क्रीन के ऊपर मेरा यानी कि एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर का और एस्ट्रोलॉजर अनीता जी उनका भी नंबर फ्लैश हो रहा है। अगर आप हमसे वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स को आप डायल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और विषय के साथ,
एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।